तुम बहुत बड़ा गलती कर दिया, हम तुमको ना ही छोड़ेगा। पुण्य समझ बैठा मैं उसको मेरी नजर में जो पाप था कि पुण्य समझ बैठा मैं उसको मेरी नजर में जो पाप था। मैंने कहा और जानेमन क्या हाल, कॉल पे उसका बाप था। तो यार आज के इस गेम प्ले में मेरी जितनी भी फाइट होगी सारी की सारी अलग लेवल की होगी, क्योंकि इस मैच में बंदे भी बहुत हार्ड आए हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे दो गाड़ियां खड़ी हैं, जिसमें से एक मेरी है और एक भगवान जाने किसकी है, पर इसे देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बंदे तो हार्ड आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी ज्यादा मजे टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे हैं मुठभेड़ सेंटर, तो चलो पकड़ते हैं बंदों को। एक नंबर भाई और दो नंबर भाई, पेंटिंग करके जिंदा हो। तो यार यहाँ उतरते ही मैं एक किल चुराता हूँ और एक बंदे को भी निपटाता हूँ। खैर इसकी पेटी से मिल जाती मुझे M4, तो मैं लूटा लाटी कर ही रहा था और तभी तू मारता है। अरे बात करता है। क्या बहन जी, तू भी है? तो गाली दे रहा है भाई। मैंने सब गाली दी भाई, मैंने तो इतनी। मैं यही उतर रही हूँ, बाहर जाओ, उसके बाहर, दीवार के बाहर। मैं आ रही हूँ। कल एक बंदे ने एक शायरी भेजी थी, चलो आओ पढ़ते हैं। हिंदी फिल्मों में पुरानी हवेलियां अक्सर होती हैं भूतिया। अरे वाह 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 कि हिंदी फिल्मों में पुरानी हवेलियां अक्सर होती हैं भूतिया, और मैंने फौजी भाई जैसा मासूम आज तक नहीं देखा, और ना ही देखा इनसे बड़ा भूतिया। अब यार एक चीज बताओ, अगर तुम्हें हमको छाप नहीं था तो ये मासूम वाली बीच में लाइन काय लिख दिए, ये हूतिया वाली लिख देते तो ज्यादा अच्छा लगता। और ऊपर से बेशर्मी की हद हो गई, ये देखो साउट आउट भी मांग रहे हैं, मतलब हद है यार, पहले तो छापो फिर साउट आउट भी मांगो। तो यार ये कमेंट मेरे को बहुत गलत लगी, पर वो ही है ना कि जो गलत है वो ही चलत है। तो गोलू साउट आउट टू यू। ऊपर आ जाओ, ऊपर बंदे लास्ट है। अब यार यहाँ पे मैंने चार बंदे बैक टू बैक मारे, और उसके बाद मेरे को लगा कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है, पर उतने में मेरे को गोलियां चलने की आवाज आती है। इधर इधर घर के साइड। माय गॉड, अब इस बंदे को मैंने नॉक तो कर दिया, पर सच बताऊं तो इसकी किल मेरे को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक नहीं दो दो टीम है जो कि मेरी अभी एक दो किल और चुराएंगे। दीवार के कोने में, इधर भी है, इधर भी है।
तो बहुत था। नहीं वो अभी भी वहीं पे तो पड़ा है। हाँ नहीं, बक्सा बन गया उसका, तो इसी ने मारा होगा। अब ये लोग बॉल के पीछे खड़े हैं और बिल्कुल मुंडी नहीं दिखा रहे, तो मैंने बोला कि अब तो रिस्क लेना पड़ेगा, चलो फ्लैंक करते हैं। और फिर ऊपर चला गया क्या कोई? ला 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 ला। मैं इधर से जा रही हूँ फिर। अब कवर दो। ऊपर ऊपर। उसमें मेरा दुनिया, उसमें मेरा जहां है कि उसमें मेरा दुनिया, उसमें मेरा जहां है। और बहुत पहले मैंने अपने एक दोस्त को पैसे दिए थे, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहां है। तो मैंने आराम से मार दिया। तो यार लास्ट बंदे को क्रेजी निपटा देती है, और इसी के साथ ये मुठभेड़ सेंटर पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तो अगर आपको अभी तक का ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। फिलहाल इनको निपटाने के बाद हम लोग डायरेक्ट इस वाले मुठभेड़ सेंटर पे आते हैं, और यहाँ आते ही हमको गोलियां चलने की आवाज आती है, यानी कि दो टीम के बीच में विवादित स्थिति बनी पड़ी है। तो चलो निपटाते हैं इन्हें भी। Mark the location. क्रेजी 15-16 के बाद आता है 17, ऐसे किल मत चुराओ वरना कंटेंट में हो जाएगा खतरा। अब यहाँ पे शायद एक बंदा हमारे सम्मानीय आदमी बोरदादाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा होता है, तो चलो पकड़ते हैं यार उसे भी। बाहर गया वो, मेरे सामने एग्जैक्टली बाहर है। ठीक है, बाहर है, बाहर है। वॉच आउट, बाहर बाहर। टीममेट होते हैं बड़े किल चोर, फिर भी मैं इन्हें बचाऊंगा। इनके लिए एक बंदा तो क्या, पूरी स्क्वाड से लड़ जाऊंगा। तो यार ये थे मिस्टर कार्लो, जिनकी हमने मार ली। खैर अब बचे इस मैच में ओनली 3 बंदे, तो उन 3 बंदों को हम लोग सच बताएं तो यार काफी देर तक ढूंढते हैं, कम से कम 5-6 मिनट। पर जब बिल्कुल छोटा सा जोन हो जाता है तो हम लोग इस तरह पाते हैं, और तभी अब इसको तो मार दिया, पर अब आएगा मजा। मजा आया। अब देखो वो बंदा मेरे को नॉक तो कर देता है और फिर लेफ्ट वाले पेड़ में भी आ जाता है, तो मैं उसे मारने की प्लानिंग कर ही रहा था, पर तभी लेफ्ट में आया है वो। अरे अरे, तो पीछे कौन है? तभी ये नूबड़ा नाम का बंदा उसे मार देता है। मतलब मैं बदला नहीं ले पाऊंगा अपने नौक का, पर नूबड़ा को निपटा के चिकन डिनर जरूर करेंगे। देखो आप भी। नहीं पैन है। मार्क द लोकेशन। मैं ना डांस करूं इसके सामने। नहीं नहीं किल नहीं, रुको, इतना पागल है। मैं ये सीरियस हो गया, ओवर गन क्या चलाई। अरे माफ करे तो हमें भैया।
हम नहीं टीम अप करेगा, हम तुमको पिलेगा, हमको बस बचने दो। कुत्ता तुम बहुत बड़ा गलती कर दिया, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। हम तुमको नहीं छोड़ेगा, जब तुम जोन से निकलेगा तब तोड़ेगा। हम तुमको नहीं छोड़ेगा, हम तुमको पूरा मारेगा। कैसा लगा दादा? तो यार फाइनली इस बंदे को निपटा के हो जाता है चिकन डिनर। वो तो अच्छा हुआ कि भैया ये लास्ट बंदा था, काहे कि अगर एक बंदा और बचा होता तो किल हो गए थे 17, कहो कंटेंट में हो जाता खतरा और हम लोग चिकन डिनर न कर पाते। खैर जो भी हो, पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इंस्टा में कर लेना है फॉलो। कर लो यार, बस 400 फॉलोवर की और जरूरत है, 100 के करवा दो, हो ही नहीं पा रहे कब से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।